भाई तरह तरह की बातें चल रही हैं कि क्यों लोगों ने फुद्दू काटा है, क्यों लोगों के स्वाद ले है। तो संपूर्ण जानकारी जो है आपने इस वीडियो में देवांगे। अगर आपके घर में भी कोई बुढ़ा है और उसकी पेंशन नहीं बनी है तो पेंशन कैसे बनेगी, कंप्लीट जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। कड़वी तो हो है पर सच्चाई हो है, सच्चाई का साथ जो है हम कभी नहीं छोड़ांगे, चाहे कितने भी पड़ाव आ जावे, कितनी भी मुसीबत सामने आ जावे, चाहे कोई भी हमारे सामने खड़ा हो, सच्चाई जो है हम कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और कभी भी नहीं हटेंगे। अगर आपके घर में 55 साल से लेकर 60 साल, 61 साल, 62 साल से ऊपर का जो भी कैंडिडेट है 55 से ऊपर, उसको अपनी एज वेरिफिकेशन करवानी अनिवार्य है। सरकार बार बार ये चीज कह रही है कि 60 साल की उम्र होते ही आपकी पेंशन बढ़ जाओगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एज वेरिफिकेशन करवानी अनिवार्य है। जब तक आप एज वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे, जो सरकार के द्वारा एक लिस्ट जो है आपके समाज कल्याण विभाग यानी कि पेंशन विभाग में भेजी जाती है, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा कि इन इनकी उम्र 60 साल हो गई है, इनकी पेंशन बना दी जाए। आपको एज वेरिफिकेशन करानी होगी और इसके लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट हैं, वे आ रहे हैं कि लोगों का फुद्दू काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो तीन मेन सबूत आपको दिखाऊंगा मैं। सबसे पहला तो ये है कि जो करीब डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये जो आप देख पा रहे हो ये चीजें दी गई हैं। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 16 से 18 तारीख के बीच में, 16 से 18 दिसंबर के बीच में जो कैंप लगाया गया था वो विशेष तौर पे जो कैंप था उसका विशेष काम था 55 साल से ऊपर जिसकी भी उम्र है उनकी एज वेरिफिकेशन करनी। और दूसरा जो मेन चीज हम आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जो डिपार्टमेंट है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं हमारे मुख्यमंत्री ताऊ खट्टर साहब, तो उन्होंने भी ये ट्वीट किया है और साफ साफ बताया है कि डाटा सत्यापन का जो कार्य है 16 से 18 दिसंबर को विशेष तौर पे हर गांव में कैंप लगाकर किया जाएगा। ये चीजें हो गई। अब तीसरा जो मेन बड़ा सबूत है वो आपको दिखाता हूं। जब डिपार्टमेंट से हमने बात की कि हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, आप लोगों के पास भी ये मैसेज आया होगा, अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई भी शख्स जो है 55 साल, 56, 57, 58 या इससे ऊपर का है तो आपके पास भी एक मैसेज आया होगा। जरा इस मैसेज को आप गौर से पढ़ो, ये जो मैसेज है आपके फोन में आया होगा, अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप चेक करो। ये जो मैसेज है ये आपके लिए नहीं आया है, ये मैसेज उस शख्स के लिए आया है जिसकी उम्र आपकी फैमिली आईडी में 55 साल या उससे ऊपर हो चुकी है। तो उस शख्स की जो है आपको DOB डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करवानी है ताकि जो है उसकी पेंशन 60 साल की उम्र होते ही ऑटोमेटिक बन सके, उसको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता ना हो, उसको कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता ना हो, उसकी डायरेक्ट जो है पेंशन समाज कल्याण विभाग द्वारा यानी कि पेंशन विभाग द्वारा बना दी जाएगी। तो ये चीजें हो गई। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार जो सबूत है वो आपके सामने मैं ये पेश कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट से हमने बात की, उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपको सुना दे रहा हूँ कि हमारे पास ये मैसेज आया था तो हमें करना क्या है और ये कौन सा मैसेज है। और जो कैंप था 16 से 18 तारीख के बीच में, वो कैंप का तो टाइम जा चुका है लेकिन हमें अब पता चला है कि हमारे पास ये मैसेज आया है, हमने पहले मैसेज नहीं देखा था, तो अब हम क्या करें। तो इसकी संपूर्ण जानकारी जो है डिपार्टमेंट हेलो उसे अपने आप सुन सकते हैं। सर जी सरल में आपका स्वागत, मैं कविता आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? सर मैं हरियाणा पश्चिम दादरी डिस्ट्रिक्ट से रविंद्र बात कर रहा हूँ और मुझे रविंदर चरखी दादरी से। जी मैम जी बताइए रविंदर जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं जी? मुझे जी वो 1 दिसंबर से जानकारी क्या लेना चाह रहे हैं वो बता दीजिएगा आप। मैम मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन नहीं हुई है, कृपया आपने नजदीकी कैंप में जाकर वेरिफिकेशन। हाँ जी, तो क्या किस चीज का मैसेज है मैम ये? आपके फैमिली में कोई एज जिनकी उम्र 60 साल हो रखी है ऐसे कोई मेंबर है? हाँ जी है, 59 साल की उम्र है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन करवाए जी नजदीकी, या तो आपके आसपास एलसी कैंप लगे होंगे लोकल कमेटी के, हाँ जी उनमें वेरिफिकेशन करवाए या सीएससी के पास करवाए जी। तो मैम इसका फायदा क्या होगा, किस लिए करवानी है ये? ये जिनकी 60 साल उम्र होने वाली या हो चुकी है उनकी एज वेरिफिकेशन कर रहे हैं जी डिपार्टमेंट। नहीं मैम सरकार पेंशन के लिए डिपार्टमेंट के अंदर लिस्ट जाएगी जिनकी एक्यूरेट डेट रहेगी, अगर नहीं होगी तो उनको वेट करना होगा, जिनकी एक्यूरेट होगी वो डिपार्टमेंट के पास लिस्ट चली जाएगी कि हाँ इनकी 60 साल उम्र हो या होने वाली है। ठीक है जी, वो लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आप बुढ़ापा पेंशन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे जी। मैम सरकार ने तो ये बता दिया ना कि बुढ़ापा पेंशन 60 साल की उम्र होती है अपने आप बन जाएगी, तो वो उसी की
लोगों ने साफ साफ सुन लिया कि इस मैडम ने बताया है डिपार्टमेंट से कि जो आपकी एज वेरिफिकेशन करवाने जरूरी है ताकि जो है आपके घर में जो बूढ़ा है उसकी 60 साल की उम्र होते ही उसकी पेंशन की जो लिस्ट ऊपर से आएगी उसमें नाम आ सके और आपके घर में बूढ़ा या बूढ़ी है उनकी जो पेंशन है वो बढ़ सके। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, तो किसी के भी बहकावे में न आए आप। आपके गाँव में चाहे आपको गोवा लगवाना पड़े, चाहे आपको जबरदस्ती जो है आपके गांव के बड़े बूढ़ों को पकड़ पकड़ के भाई आप ये काम करवा लो, ताऊ जी आप ये काम करवा लो, दादाजी आप ये काम करवा लो, आपको ये काम करवाना है और बाकी आपकी मर्जी है। तरह तरह की बातें होती हैं लोगों के अंदर, तरह तरह के लोग होते हैं, आपके सामने भी काफी सारी समस्या आएंगी, मेरे सामने भी काफी सारी समस्या रही है, लेकिन सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, और सच का सामना आपको करना ही होगा कभी न कभी। बाकी आपकी मर्जी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जो है इसको ऑन करो या न करो, आपकी मर्जी है। आप इस वीडियो को एक लाइक करो या न करो। मिलता हूं मैं तो किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सारे भाइयों ने